हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अमेजिंग ईटरीज। वीडियोस थोड़े से कम आ रहे हैं लेकिन अब वीडियोस आने वाले हैं धड़ाधड़, यानी कि बैक टू बैक। और उसके पीछे रीजन है, आपके भाई ने उठा लिया कैमरा अपने हाथ में और आज मैं पहुंच गया हूं ग्रेटर नोएडा जगत फार्म मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी मजेदार सी खाने की चीजें हैं जो कि हम ट्राई करने वाले हैं। तो हम खाएंगे देसी घी की टिक्की और उसके बाद काठी रोल्स, ऐसे काठी रोल्स जो कि बिल्कुल भरे हुए, जो काठी रोल्स होते हैं लोडेड वाले, वो काठी रोल खाएंगे। और आपको एक जगह लेके चलूंगा जहां पे मिलता है मजेदार साउथ इंडियन खाना, तो मजेदार साउथ इंडियन फूड खाएंगे और बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको कोई कहे कि ग्रेटर नोएडा के अंदर खाने पीने के ऑप्शंस कम है तो उसे ये वाला वीडियो दिखा देना। लेट्स गो। ग्रेटर नोएडा इज अ प्लांट सिटी ऑफ दिल्ली NCR। अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रीनरी है और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली जो जगत फार्म एरिया है वहां पे रहते हैं ढेर सारे स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स को हम बताना चाहते हैं आज कुछ अच्छी खाने की जगह, और उनमें से एक है ये वाली। आज की जो शुरुआत है यहाँ ग्रेटर नोएडा फूड एक्सप्लोर करने की, वो हुई है हमारी बड़ी चटपटी, क्योंकि हमने स्टार्ट करी है एक मजेदार सी टिक्की से। तो टिक्की दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो ये है देसी घी की टिक्की। तो अब इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टिक्की के अंदर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस है क्योंकि उसमें ऊपर डाली है इन्होंने पापड़ी तोड़ के, और जो सबसे मेन चीज है और सबसे मजेदार चीज है वो है इस टिक्की के अंदर देसी घी का फ्लेवर। तो मैंने थोड़ी सी तहकीकात करी और मैंने चेक किया कि सच में देसी घी डालते हैं कि नहीं। खुशबू तो आ ही रही थी लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि देसी घी के डब्बे जो है वो भी रखे हुए। तो ओवरऑल जो हमारी जो शुरुआत है जो टिक्की की है वो है एक नंबर। चलिए अब आपको खिलाते हैं मजेदार काठी रोल। हम पहुंच गए हैं खान काठी रोल पर। यहाँ पे बहुत सारे वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस है काठी रोल के, जिनकी रेंज स्टार्ट होती है 40 रुपए से लेके 130 रुपए तक। और हम जो ट्राई करने वाले हैं वो है डबल एग मटन सीख कबाब। सुनने में बड़ा मजेदार सा लग रहा है, डबल एग मटन सीख कबाब। इसके अंदर दो अंडे जाएंगे, उसके बाद ये डालेंगे सीख, और उसका जो प्रिपरेशन है वो भी देखने में अपने आप में एक अलग ही मजेदार सा है। इस आउटलेट पे मैं पहले भी आ चुका हूं और मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है चिकन काठी रोल, वो भी इनका बड़ा ही जबरदस्त और काफी टेस्टी और काफी हैवी है। लेट्स ईट डबल एग मटन सी कबाब। तो सैनी भाई की टिक्की खाने के बाद मैं आया हूँ बड़ा ही लोडेड सा काठी रोल खाने, और अभी मैंने आपको दिखाया कि अंदर जो है काठी रोल बड़े ही तरीके से और बड़े मज़ेदार
स्टाइल्स हैं यहाँ पे, काठी रोल बन रहे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है मेरे लिए ये, जो बड़ा ही गजब सा, मेरा फेस पूरा कवर हो गया है, बड़ा ही गजब सा दिखने वाला ये मटन रोल। तो ये है डबल मटन सीख और उसके अंदर है डबल एग। दिखने में मेरे को और इसको हाथ लगाने में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही हैवी, जो कि काफ़ी अच्छा लोडेड जो होता है वो वाला काठी रोल आ गया मेरे हाथ में। और इसको खाने के बाद, अगर आपने डिनर के टाइम पे ये खा लिया तो और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो इसके बाद भी मैं कुछ और भी खाने वाला हूँ। तो फिलहाल चेक करते हैं और खा के देखते हैं ये मज़ेदार से दिखने वाले, इसके अंदर देखो, ओ है ना, अंदर देख रहे हो आप, इसके अंदर दो सीख हैं और उसके बाद इसमें हैं एग्स, सो डबल एग एंड डबल मटन। ये है बड़ा ही मज़ेदार, मटन के जो सीख डाले हैं उसके अंदर मसाला थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा मसालेदार सा है, और इसमें काफ़ी सारा इन्होंने डाला है मेयोनेज, तो मेयोनेज का भी टेस्ट आ रहा है। एवरीथिंग इज सो फ्रेश एंड सो नाइस। ग्रेटर नोएडा में आने के बाद अगर साउथ इंडियन खाने का मन हो तो यू कैन नॉट मिस दिस आउटलेट, इट इज सिंपली साउथ। यहाँ पे खाने के अलावा मेरे को दो चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, वो है एक तो इनका सीटिंग स्पेस बहुत अच्छा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का जो स्टाफ और जो ओनर है दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। तो जब तक कि मैं इनके मेन्यू पे नजर डालता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज क्या खाना है, आप इस रेस्टोरेंट की एम्बियंस देखिए। फूड एक्सप्लोर करते करते अब कहीं जाके बैठने का मौका मिला है, क्योंकि सिंपली साउथ रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप आओगे तो एक अच्छी खासी सीटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। तो उसका मेन्यू मैंने आपको दिखाया था, तो उस मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने सिंपल जो साउथ की जो चीज़ होती है वो नहीं ऑर्डर करी है, मैंने ऑर्डर किया है एक कॉम्बिनेशन, एक्चुअली एक फ्यूजन है जो कि ऑर्डर किया है, वो है चाइनीज़ और साउथ इंडियन का। तो ये रहा मज़ेदार सा डोसा, ओहो दिखने में तो बड़ा सिंपल सा डोसा लग रहा है, लेकिन इस डोसे के अंदर जो ट्विस्ट है वो है, ये है शेजवान डोसा। तो जो शेजवान सॉस है, जो चाइनीज सॉस है, वो इसके अंदर लगी हुई है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या है वो तो अभी देखेंगे। जगत फार्म के कोने पे खड़े हुए इस आउटलेट को देख के मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्शन के दो कारण थे, एक उल्टे तवे के ऊपर बनते हुए ये मज़ेदार पराठों की खुशबू, और दूसरा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खाने की वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ तो होगा कि इतने सारे लोग हैं। तो मैं जाके देखते हैं और चेक करते हैं यहाँ का भी स्वाद। तो यार ये जो आपने मेरे पीछे अभी देखा कि जो लखनऊ के जो कबाब जो होते हैं ना, वैसा वाला बड़ा ही ज़बरदस्त सा सीन चल रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, कि ये जो कबाब जो यहाँ पे बन रहे हैं ना,
वो है प्योर वेज, तो वो है सोयाबीन के और दाल के जो मिक्स करे हुए ना वैसे वाले कबाब है। और यहाँ पे मिलते हैं कबाब के रोल, और कबाब आप चाहे अलग से ले लो और चाहे ले लो पराठे। तो ये मैंने अपने लिए एक छोटू सा, ये देख रहे हो आप, साइज छोटा है तो इसका प्राइस भी अपने हिसाब से एकदम सही है। ये है 20 का रोल है और 40 की प्लेट किस चीज की है? तो तवा पराठा अगर आप लेंगे तो उसकी जो प्राइस है दैट इज 40 रुपीज, लेकिन मैंने अपने लिए लिया है ये छोटा सा रोल जो कि है 20 रुपए का। तो अब ये रोल खा के देखते हैं। और आपने देखा कि जब बन रहा था तो वो तो जो माहौल था वो तो बड़ा ही जबरदस्त था। अब खा के देखते हैं यहाँ का रोल। तो यार इसके अंदर जो फिलिंग है, जो कबाब्स की जो फिलिंग करी हुई है वो एकदम मिंस्ड है, मतलब एकदम बिल्कुल बारीक सी है और आपके मुंह में जैसे ही जाता है एकदम घुल जाता है। और फ्लेवर इसके अंदर मेजरली जो आ रहा है वो है हरी चटनी, मतलब मिंट सॉस का, और प्याज का थोड़ा सा क्रंच है, और खाने में है लाजवाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा ये नया स्टाइल आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताना। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त और मिलूंगा एक बारी फिर से एक नई जगह पे विद सम नाइस एंड न्यू फूड स्टोरीज। टिल देन थैंक यू।